एक नज़ारा जो मूवी में सिर्फ नज़र आता है बॉलीवुड की, कि पुलिस वाले दौड़ रहे हैं और उन्हें कुछ मिली है सूचना और लोग अभी भी उनको कुछ नहीं पता अंदाजा कि क्या होने वाला। कल का बैंक मोड़ का नज़ारा यही था कि आप दौड़ रहे एक तरफ से, मतलब बैंक मोड़ थाना के प्रभारी बंदूक लिए हुए सिविल ड्रेस में दौड़े जा रहे हैं, उनके पीछे दो पुलिस और सुरक्षाकर्मी उनके ठीक पीछे जा रहे हैं, और फिर सर एक बहुत बड़ा मतलब वो घमासान सा होता है और आपके दो शॉट सीधा लगते हैं और हो जाता है। तो सर क्या नज़ारा रहता है जब आप देखते हैं जैसे कि आपके ठीक आगे क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल है, तो सर वो डर वो क्या रहता है, ये कैसे आता है? हर फोन को इंटरटेन करने का प्रयास करता हूँ मैं उस समय, मतलब सुबह का जो क्रियाकलाप होता है मैं उसमें था, लेकिन जैसे ही फ़ोन बजा मैं निकल गया। निकला देखा एक आदमी बहुत घबराया हुआ बोल रहा है कि सर 6-7 5-6 लुटेरे इस तरह से करके वो जो है बंदूक लिए हुए बैंक में घुस गए हैं, सबको मार पीट रहे हैं, बांध करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। क्या ये मान के चले कि डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह मौत से नहीं डरते हैं और क्रिमिनल को डरना चाहिए अब, क्योंकि वो सर वो नहीं था गब्बर सिंह वाला मूवी का कि क्रिमिनल जब भी निकलेंगे अब घर से क्राइम करने तो रहेगा, नहीं नहीं भाई पीके आ जाएंगे नहीं जाना। देखिए भगवान से डरता हूँ, शरीफ इंसानों से भी डरता हूँ, चूँकि जो व्यक्ति एक भरोसा के साथ मेरे साथ आता है तो लगता है ऐसा कोई चूक ना हो जाए कि आम आदमी का भरोसा हम पे टूटे। लेकिन जहाँ तक अपराधियों और उग्रवादियों और इस तरह के तत्व की बात है उससे मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बैंक मोड़ थाना में खड़ा हूँ मैं। पिछले दिनों जो घटना हुई लूट की कोशिश थी जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया बैंक मोड़ के पुलिस ने, बैंक मोड़ के SHO हमारे डॉक्टर पीके सिंह सर ने, तो उसको लेकर के आज हम आए पीके सिंह सर से बात करेंगे, क्योंकि अब क्रिमिनल जब भी निकलेगा घर से क्राइम करने के लिए तो एक ही बात कहेगा कि ना बाबू ना, मत जाओ क्राइम करने वरना पीके आ जाएगा। तो ठीक थाना के बाहर खड़ा हूँ मैं। जाने से पहले एक बहुत ध्यान दिलाना चाहूँगा जनता का, यहाँ की यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस का डेफिनेशन क्या दिया सर ने। सर का काम जितना साफ है उतना ही साफ और बहुत ही खूबसूरत ये बैंक मोड़ थाना है। अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो जो इन्होंने डेफिनेशन दिया इससे इनकी काम को लेकर के सजगता और दृढ़ता साफ दिखती है कि कितने दृढ़ है ये अपने काम को लेकर के। तो बहुत ही प्यारा से डेफिनेशन है कि पुलिस का जो पी का होता है वो पोलाइट होता है, वो मतलब ओबीडियंट, एल मतलब लॉयल, आई मतलब इंटेलिजेंट। जैसा कि कल ने सर इसका जो है नमूना भी पेश किया कि सर खुद ही पहुंच गया लीड करते हुए और करेजियस उसके बाद की कहानी, और एफिशिएंट तो है ही क्योंकि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और एक लुटेरा ढेर हुआ, दो गिरफ्तार हुआ, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि पूरा गैंग का नाम निकल जाएगा। अभी अंदर जाएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह सर, पीके भी कहते हैं इन्हें धनबाद में, और सोशल मीडिया में ये सिंघम बन चुके हैं, इतनी बातें हो रही हैं सर के बारे में। सर आज एक प्रेरणा स्रोत बने हुए बैंक मोड़ थाना के प्रभारी हैं फिलहाल ये, और इनका कारनामे के किस्से भी इतने वायरल हो रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। तो कल क्या हुई घटना, हम इस पर आएंगे, इस पर ही बात करेंगे, इनके जुबानी सुनेंगे, इनकी जाबाजी की कहानी सर की, सर को क्या इनपुट मिला, सर ने कैसे क्विक रिएक्शन करते हुए जो है कम से कम नुकसान में ढेर कर दिया सारे लुटेरों को और दो गिरफ्त में लिया, तो उन पर बात करेंगे। पर सर के पीते हुए कल पे आते हैं, पहले जानते हैं कि पहली बार क्या रहा सर का पुलिस बल को ज्वाइन करने का, क्या रहा कब पहली बार सर ने सुना। तो सर स्वागत आपका मिरर मीडिया में। सर आप अपने पिछले जीवन के बारे में, पिछले नहीं अभी अपने पीछे के जीवन के बारे में बताएं कि सर शुरुआत क्या हुई पढ़ाई लिखाई आपकी, और आपने कब पहली बार सोचा कि पुलिस बल में ये ज्वाइन करना क्या रहा सर? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे फादर आर्मी जॉब में थे, तो पहला प्रेरणा तो मेरे फादर ही थे, और चूँकि खेलकूद में हमारा कुछ इंटरेस्ट था, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, तो वर्दी के प्रति तो एक झुकाव था, लेकिन एक्चुअली मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। लेकिन संजोग ऐसा था कि हमारे दो बड़े भाई बाहर रहते थे, तो माँ के प्रति मेरा अटैचमेंट था, तो माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा जो है इसी स्टेट में रहे, चूँकि फादर हमेशा बाहर आउट ऑफ इंडिया भी रहते थे, और J&K में रहे, लद्दाख में रहे, आपके भूटान में रहे, अलग अलग जगहों पर रहे, तो उनका आना जाना बड़ा मुश्किल से हो पाता था। तो मेरी माँ का सोच था कि मतलब कुछ ऐसा जॉब करें जो उनके करीब रहें, उनका केयर करें, तो लगता था कि चलो भाई फैमिली को भी देखना ज़रूरी है। उस परिस्थिति में वर्दी के प्रति झुकाव था, और मेरे मन में शुरू से रहता था कि मतलब देश के प्रति और कुछ अलग हट के करने का एक तमन्ना होता था। चूँकि हमको एक घटना याद आता है, जब मैं गया जिला में, गया कॉलेज का छात्र था, मेरे को लगता है कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा होऊंगा,
तो मैं एक बार कॉलेज से लौट रहा था, चूँकि कोई संसाधन था नहीं मेरे पास, पैदल ही लौट रहा था कॉलेज से। तो गया में एक नादरागंज मोहल्ला है, उसको कोयरीवारी नादरागंज मोहल्ला कहते हैं। उस मोहल्ले के अंदर करीब 2-2.5 किलोमीटर अंदर हमारे नाना जी का घर था। तो होता था कि कॉलेज जाने में भूख लग जाता था और उस तरह का संसाधन था नहीं, तो हम जब भी मौका मिलता था तो नाना जी के घर में खाना वाना जाके खा लेते थे और फिर अपने गाँव को लौटते थे। तो एक ऐसा वाक्य आया कि एक छोटा मेरा भाई था, हमसे भी छोटा था उम्र में, 5 साल का छोटा था मेरे से, तो मेरा वेट कर रहा था कि आज भैया आएंगे तो हम उनको रिसीव करके अपने घर ले जाएंगे खाना खाने के लिए। तो उससे थोड़ा मेरा लगाव था, चूँकि उतना छोटा होने के बाद भी मेरा केयर करता था, मामा का लड़का था मेरा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे को लेने आया और मैं उसके साथ जा रहा था। तो जा रहा था तो एक नादरागंज मोहल्ला है कोयरीवारी, उसमें काफ़ी ज्वेलर्स लोग रहते हैं जो ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं। तो जब मैं उस गली में, जब भी उसी गली से मैं अपने नाना के घर जाता था तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन 1:30-2 बजे का वक्त रहा होगा, वो धूप थी, बड़ा तेज़ धूप था। हम लोग चूँकि साधारण परिवार से थे तो हम लोग के धूप का कोई प्रभाव पड़ता नहीं था। तो मैंने देखा कि अचानक गली में इस तरह से, मतलब सन्नाटा क्यों है, ये मेरे जहन में ही बात आया। लेकिन तो भी हम धीरे धीरे बढ़ते गए। इसी बीच में मैंने देखा कि आप जैसे जानते होंगे एक मटकोठा होता है, मिट्टी का कोठा होता है, तो फर्स्ट फ्लोर वो कंक्रीट था, उससे ऊपर का था वो मिट्टी का कोठा था, उसमें एक खिड़की बना हुआ था, मेरे को ऐसा याद है। उसमें लगता है कि जो झारखंड के DGP हुए थे राजीव बाबू, वो राजीव कुमार उस समय संभवतः गया जिला के SP थे, जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है। तो मैंने देखा कि एक चिल्लाते हुए लड़की जो है जंप कर गई, बचाओ बचाओ। तो हम में भी वो मैच्योरिटी नहीं था, लेकिन हमको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो मैं बचाने के लिए उसके तरफ बढ़ा, लेकिन संजोग से उसको कोई इस तरह से, मतलब थोड़ी चोट लगी बट उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ था। वो आके मेरे को जोर से पकड़ ली, भैया बचाओ। हम बोले कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आपके साथ? तो मेरे घर में डकैत है। मैं जीवन में पहली बार सुना कि डकैत भी कोई चीज़ होता है। हम लोग क्या है? तो डकैत है। तो क्या कर रहा है? तो सब मार रहा है, पीट रहा है और मेरे परिवार के लोगों को लूट रहा है। तो चूंकि मैं एक दिघी तालाब है, कोयरीवारी जाने से पहले एक दिघी तालाब पड़ता है, वहाँ पर एक जिप्सी लगी थी, पुलिस की जिप्सी। ये मेरे जहन में था कि पुलिस वाला जिप्सी लगा के इधर उधर खड़ा होकर चाय वगैरह पी रहे थे। तो मैंने अपने छोटे भाई से बोला वहाँ कि ऐसा करो, इस लड़की को तुम संभालो, क्योंकि वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो उसको वहाँ से लेकर के 200-250 मीटर पे लड़की को मैंने प्यार से बैठा दिया कि यहीं पर बैठो बहन, हम जाते हैं पुलिस को बुलाने। तो वो लड़की को लेकर के वहाँ पे बैठ गई और मैं दौड़ता हुआ, क्योंकि हवाई चप्पल में होता क्या है कि अब तेज़ दौड़ोगे तो खुल जाएगा हवाई चप्पल, तो हवाई चप्पल मैंने हाथ में लिया और वहाँ से दौड़ना शुरू किया। दौड़ने के बाद पुलिस के पास पहुँच गया। पुलिस वाले जो अपने हिसाब से रहते हैं, उनको बोला कि सर डकैती हो रहा है। तो उन लोग बोला कि अरे पागल हो गया है, 1:30 बजे दिन में कहाँ डकैती होगा। हम कहे सर एक लड़की ऐसे ऐसे बोली, उसके घर में डकैती हो रहा है। तो कुछ लोगों ने मेरे बात को बड़े हल्के से लिया, लेकिन हमको याद है वो जिप्सी का जो ड्राइवर था उसने कहा कि अरे ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, चलो देखो। तो हमको बोला कि आगे आगे तुम चलो। तो जब आगे आगे मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दौड़ रहा था, पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही थी, तो लोगों को लगा कि पुलिस हमको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। तो उस परिस्थिति में कुछ लोग हमको पकड़ लिया है ना, मतलब पकड़ लिया कि क्या है नहीं है। फिर जब पुलिस वाले इशारा किया तो मेरे को छोड़ दिया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचा जहाँ लड़की थी। लड़की काफ़ी घबराई थी, पुलिस वाला पूछा क्या हुआ नहीं हुआ, तो पुलिस वाले समझ गए तो बोले अरे ये तो डकैत है। तो पुलिस वालों ने घेराबंदी शुरू कर दिया। तो बोला कि सर मैं क्या करूं? तो एक जो हवलदार था, उसमें होमगार्ड का जवान हुआ करता था, हमको लगता है कि हवलदार वो जिला का होगा, रेस्ट जो जवान है होमगार्ड का, लेकिन होमगार्ड के भी काफ़ी मुस्तैद और मजबूत जवान थे उस समय। तो बोला कि तुम ऐसा करो मेरे पीठ के पीछे रहना, मेरे को बोला। और इसी बीच में उधर से एक लड़का जंप किया और वो फायर मारा पुलिस की तरफ। तो मैं तो काफ़ी घबरा गया।
तो जब फायर मारा पुलिस की तरफ तो वो बचा, लेकिन वो जो पुराना राइफल होता था क्या बोलते हैं 0.303 जो अभी भी बहुत से जवानों के पास रहता है, वो पुलिस ने ऐसा निशाना लगा के मारा कि टप सा वो वहीं गिर गया। और उसके बाद उन लोगों तरीके से घेराबंदी किया, टोटल मेरे ख्याल से 3 या 4 जवान मारे गए थे। फिर काफ़ी भीड़ हो गई उस दिन, संभवतः SP का क्राइम मीटिंग चल रहा था, तो ये सूचना चली गई होगी वहाँ मेरे ख्याल से। तो हमको लगता है कि 2-4-500 की पुलिस की भीड़ आ गई वहाँ, पब्लिक 2-4-5 हज़ार इकट्ठी हो गई। मेरे नाना जी भी आ गए, तो नाना जी देखे, अरे इसको तो पुलिस पकड़ा हुआ है। तो बोले अरे तुम्हारा क्या है? तो लोग बोला कि नहीं जो है पुलिस जो है इसको पकड़ी नहीं, इस बच्चे को हम लोग रिवार्ड दिलाएंगे। तो नाना जी बोला नहीं 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 रिवार्ड नहीं चाहिए, इसको छोड़ो छोड़ो। और मेरे को ले करके घसीटते हुए अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद जो लड़की थी उसको मेरे ख्याल से 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी रहा होगा उसको गया के गांधी मैदान में सम्मानित किया गया। तो मेरे लिए एक प्रेरणा बना, पुलिस का जो मैंने वो रूप देखा ना, लगा नहीं एक्चुअली पुलिस इसी तरह का परफेक्ट होना चाहिए। और कुछ अपना संस्कार होता है, फादर का कुछ मोटिवेशन था कि यूनिफॉर्म पहनो तो आम लोगों से जुड़ के रहो, कभी क्राइम क्रिमिनल से समझौता नहीं करो, मौका मिले तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो मेरे जहन में रहा और संयोग से मेरा फिर 10+2 के मैं बाद में बाहर चला गया। मैं 10+2 की पढ़ाई हमारे फादर के साथ श्रीनगर में चला गया, तो वहाँ हुआ। फिर वहाँ से लौटे, फिर PG का मैंने एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ संयोग से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर वहाँ फॉरेन इंटरप्रेटर का मैंने कोर्स करने लगा जैपनीज लैंग्वेज का। इसी बीच में जो है सब इंस्पेक्टर की वाली निकली तो देखे पूरा दिल्ली से लड़के भाग खड़े हुए, यानी जो UPSC के एग्ज़ाम के लिए गए थे वो भी भाग खड़े हुए हैं, दरोगा बनेंगे। तो लोग बोला अरे सब भाग रहा है तुम क्या कर रहा है? हम बोले कि नहीं नहीं हम जो है फॉरेन इंटरप्रेटर बनेंगे। तो कुछ लोग सीनियर जो लोग थे, अरे अरे ट्राई करो ट्राई करो, तुम तो उसके जैसा लगते भी हो, ट्राई करो। फिर मैं भी वापस आ गया, मैंने ट्राई किया, माँ भगवती की कृपा से मेरा PG कंप्लीट किया सर आपने? नहीं, मैंने PG भी कंप्लीट किया और मैंने PhD भी किया। हाँ सर, हाँ। PhD तो मैं जॉब में आने के बाद किया, अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद किया। यही मेरी जर्नी है। और इसके बाद जो है एक नज़ारा जो मूवी में सिर्फ नज़र आता है बॉलीवुड की, कि पुलिस वाले दौड़ रहे हैं और उन्हें कुछ मिली है सूचना और लोग अभी भी उनको कुछ नहीं पता अंदाजा कि क्या होने वाला। कल का बैंक मोड़ का नज़ारा यही था कि आप दौड़ रहे एक तरफ से, मतलब बैंक मोड़ थाना के प्रभारी बंदूक लिए हुए सिविल ड्रेस में दौड़े जा रहे हैं, उनके पीछे 2 पुलिस और सुरक्षाकर्मी उनके ठीक पीछे जा रहे हैं। और फिर सर एक बहुत बड़ा मतलब वो घमासान सा होता है और आपके 2 शॉट सीधा लगते हैं और हो जाते हैं। तो सर क्या नज़ारा रहता है जब आप देखते हैं जैसे कि आपके ठीक आगे क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल है, तो सर वो डर वो क्या रहता है, ये कैसे आता है? मेरे दिल में एक तमन्ना हमेशा रहा है कि यदि मैंने यूनिफॉर्म पहना है तो यूनिफॉर्म पहनना, एक आम आदमी और एक यूनिफॉर्म जो वियरर है, दोनों का सोच में थोड़ा अंतर होता है। क्योंकि हम लोग को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से लोगों के द्वारा सिखाया जाता है कि ये वर्दी का क्या महत्व है, वर्दी पहने हो तो तुम्हारे समाज के प्रति क्या दायित्व है, तो हमारा जो एक अपना सोच है कि वर्दी में बहुत सौभाग्यशाली लोग लड़ते हुए शहीद होते हैं। तो मुझे इस तरह के अपराधियों से आज तक कभी डर नहीं लगा। मैं लैंडमाइन से भी मेरे को उड़ाया गया, मेरा बॉडीगार्ड भी शहीद हुआ, मेरे को गोली भी लगी, लेकिन मैं रत्ती भर पीछे नहीं हटा। मैं अपना जो है काम करता रहा और भगवान ने चाहा तो आगे भी जब भी मौका मिलेगा तो इस तरह के लोगों को मैं इसी तरह से जवाब दूंगा। इसमें कहीं कोई, चूँकि सरकार का भी गाइडलाइन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस है, तो हम लोग बिल्कुल उस हिसाब से चलना चाहते हैं कि जो आम आदमी का दुश्मन हो, जो सरकारी संपत्ति लूटना चाहता हो और आम आदमी या पुलिस बल पर गोली चलाता हो, उसको तो उसी भाषा में जवाब देना होगा, नहीं तो समाज का भरोसा हमारे ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं और भगवान की दया से मैंने जहाँ भी नौकरी किया इस तरह की सफलता मेरे को मिली। धन्यवाद में थोड़ा सा वक्त लगा, बट जहाँ भी मैं गया इस तरह की सफलता मिली और आम लोगों का बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं बहुत परेशान भी रहा,
कोर्ट कचहरी भी करना पड़ा, अपना वेतन का पैसा से भी बहुत कुछ मतलब लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा, परिवार से अलग रहना पड़ा, इवन कि समय नहीं दे पाए, नहीं तो परिवार हमारी शक्ति है। लेकिन हमारा जो अपना सोच है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, और हमको लगता है जब तक धरती पर जिंदा रहेंगे वो कभी कमज़ोर पड़ेगा भी नहीं। तो सर क्या ये मान के चले कि डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह मौत से नहीं डरते हैं, और क्रिमिनल को डरना चाहिए अब? क्योंकि वो सर वो नहीं था गब्बर सिंह वाला मूवी का कि क्रिमिनल जब भी निकलेंगे अब घर से क्राइम करने तो रहेगा, नहीं नहीं भाई पी के आ जाएंगे, नहीं जाना। देखिए भगवान से डरता हूँ, शरीफ इंसानों से भी डरता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति एक भरोसा के साथ मेरे साथ आता है तो लगता है ऐसा कोई चूक ना हो जाए कि आम आदमी का भरोसा हम पे टूटे। लेकिन जहाँ तक अपराधियों और उग्रवादियों और इस तरह के तत्व की बात है उससे मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगता है। ये तो दिन के उजालों की बात है, हम लोग तो 2 बजे 2:30 बजे रात में जंगल और पहाड़ में लोगों से मुठभेड़ किया है और ऊपर वाले की कृपा से हमेशा विजय मिला है। तो डर शब्द यदि पुलिस के डिक्शनरी में हो तो बड़ा कमज़ोर कर देगा, मुश्किल कर देगा। देखिए डर हर इंसान को लगता है, लेकिन डर का मतलब नहीं है कि इस तरह के लोगों से डर के पीछे हटना या भागना, फिर तो पुलिस का मतलब ही कुछ और समझ में आएगा। तो हमको कभी डर लगा नहीं, और जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो सिर्फ जो मिशन है वही सामने नज़र आता है। तो मैं जनता को बता दूं वैसे एक बात कि सर मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अवार्ड मतलब विनर है, सर को अवार्ड मिला है, पदक मिले कई सारे। सर जो पलामू है, गढ़वा है, जो नक्सली प्रभावित ज़्यादा इलाके हैं वहाँ सेंसिटिव है बहुत, और ये शहर धनबाद एक शहर, इन दोनों में जो कार्यकाल रहा सर, इन दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि वहाँ कैसा कार्यकाल था। उस लिहाज से तो कल का मुठभेड़ सर कुछ नहीं होगा, और पर फिर भी जो आया होगा सर मज़ा, तो उन दोनों के बारे में बताएं कि वहाँ क्या टफ सिचुएशन था, यहाँ क्या टफ सिचुएशन है, और ये जो मानसिक तौर से आप तैयार रहते हैं मेंटेलिटी सर को आप देख सकते हैं अभी भी सर कॉम्बैट ड्रेस में, मतलब सर की तत्परता आप देखिए कि अभी अगर एक इनपुट आए तो सर अभी तैयार है तो क्विक रिएक्शन के लिए, तो इसको बताएं सर अपने पलामू वाले कार्यकाल। और अभी होता क्या है कि इस ड्रेस में थोड़ा आदमी कम्फर्ट रहता है, लेकिन ये ड्रेस हम लोग पहनते ज़्यादा नहीं, कभी ऑपरेशनल विंग में ही हम लोग पहनते हैं। लेकिन जहाँ तक तैयार, पुलिस को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, घटनाएं तो आपको कह के नहीं आएगी, वो कभी भी सूचना आएगी, और आपको भरोसा करके ही कोई सूचना देता है। इस तरह की एक 2011 में इनकाउंटर हुआ था मेरे साथ जमशेदपुर भरे बाज़ार में, सीताराम डेरा का एक बस स्टैंड है, वहाँ मैंने 4 लोगों को मार गिराया था। वहाँ भी इस तरह की भीड़ थी, लेकिन किसी पब्लिक की कैजुअल्टी नहीं हुई, और 6 अपराधी वहाँ भी आए थे किसी की हत्या को अंजाम डालने के लिए, लेकिन संजोग से हम लोग को सूचना मिल चुकी थी। उसमें 4 अपराधी मौके वारदात पे मारे गए थे, और उनके पास हथियार भी जब्त हुआ था। उसमें अन्य पुलिसकर्मियों का भी बहुत अच्छा सहयोग था। टाउनशिप में इनकाउंटर बहुत टफ होता है कि कैजुअल्टी नहीं हो, इसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ इनकाउंटर बहुत डिफरेंट है, और जैसे जो नक्सली प्रभावित जंगली इलाके हैं वहाँ डिफरेंट है। तो सर उसमें देखिए शहर में मुख्तार भीड़ भाड़ वाले एरिया होता है जिसका फायदा अपराधियों द्वारा उठाया जाता है। जैसे कल ही आपने देखा कि टोटल 5 लोग थे जो सूचना थी हमारी, जैसे ही उनको सूचना मिली, चूँकि सबको ओवर पावर करके रखे हुए थे, हाथ पैर बांध करके मिसबिहेव भी कर रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे। एक महिला कर्मचारी थी, उनका इंटेंशन वो भी बाद में पता चला कुछ गलत था, सफल नहीं हो पाए। जैसे ही पुलिस को, चूँकि वो छत पे थे मैं ज़मीन पे था, तो मैं खतरे में था और वो सेफ जोन में थे। लेकिन जब मैं कवर्ड किया कि मैं पीछे हटूंगा नहीं और तेरे को आज छोड़ूंगा नहीं, तो देखे कि सारे अपने बचाव में जो है दाएं बाएं करके उतर के भागने का प्रयास किए। तो 2 आदमी को हम लोगों ने दबोचा, तब तक काफ़ी भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि उधर हम फायर करते तो कहीं ना कहीं पब्लिक कैजुअल्टी होता, जो हम लोग कभी एक पुलिस अफसर होने के नाते कभी नहीं चाहेंगे। जिसका फ़ायदा मिला कि उन गोली चलाते हुए भी वो बच गए 2 लोग। एक आदमी जो लगातार फायर कर रहा था मेरे तरफ, वो जो है हलाक हुआ, हमारे गोली से हलाक हुआ। 2 लोग कहीं ना कहीं इसका भीड़ का फ़ायदा उठा करके भागने में सफल हुआ। लेकिन चूँकि 2 लोग पकड़े गए हैं, उनसे सारा इनपुट हम लोग को मिल गया है, हम लोग जल्दी उसको अरेस्ट कर लेंगे और पूरे गैंग को हम लोग क्लियर करेंगे।
देहात में क्या है, रूरल क्षेत्र में क्या है कि पब्लिक जंगल और पहाड़ में इनकाउंटर होता है, जो उग्रवादी या जो नक्सल हैं उनका एक शेल्टर जोन अलग होता है, या कहीं कोई कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो उनका एक अलग ट्रैक होता है, भौगोलिक बनावट एक बिल्कुल अलग होता है, जहाँ पब्लिक कैजुअल्टी की चांसेस बहुत कम होता है, कभी कभी जानवर उनवर बीच में आ जाता है, तो वहाँ मन में ये डर नहीं होता है कि आम आदमी कोई मेरा या नक्सली की गोली का शिकार हो सकता है। लेकिन शहर में इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ता है, और गंभीरता से नहीं लेंगे, देखिए सफलता नहीं मिले वो मंजूर है, लेकिन किसी आम आदमी को कोई चोट ना पहुँचे, कोई परेशानी नहीं रहे, पब्लिक के लिए ये बहुत अहम बात है और ये उच्च प्राथमिकता की बात है, नहीं तो मेरा सब किया धरा जो है बेकार हो जाएगा। तो सर जैसे कल की क्या थी सर इनपुट, जैसे पहले मिली फिर आप गए, तो सर क्या एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप पूरी दलबल के साथ जाएं, तैयारी करके पहले मुआयना करें, पर चूंकि फिर उसमें हुआ था कि नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस थे उधर से। देखिए पुलिस को हमेशा परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई करना पड़ता है, यदि हम बूट और कपड़ा और वगैरह वगैरह पहनना शुरू करते तो मालूम होता कि क्रिमिनल अपना काम करके निकल गया होता, क्योंकि उनका तो टारगेट था सोना लूटना। तो जो सूचना देने वाले हैं वो मेरे नज़र में तो बहुत महान हैं, और भविष्य भगवान उनको दीर्घायु करे, मैं सत सत उनको सलाम करता हूँ कि सही समय पर उन्होंने सूचना दी हमको। मेरे को चूँकि थोड़ा हम लोग देर रात जागते हैं तो थोड़ा सा सुबह उठने में विलम्ब होता है, लेकिन जैसे ही मेरे को सूचना मिली, चूँकि मैं हर फ़ोन को इंटरटेन करने का प्रयास करता हूँ, मैं उस समय मतलब सुबह का जो क्रियाकलाप होता है मैं उसमें था, लेकिन जैसे ही फ़ोन बजा मैं निकल गया, निकला देखा एक आदमी बहुत घबराया हुआ बोल रहा है कि सर 6-7 5-6 लुटेरे इस तरह से करके वो जो है बंदूक लिए हुए बैंक में घुस गए हैं, सबको मार पीट रहे हैं, बांध करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। मैंने घड़ी देखा कि अरे ये तो इनिशियल टाइम है, और इस तरह का अपराधी फ़ायदा उठाता है, तो मैं जिधर भी देख रहा हूँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि है क्या कि अभी जो रिसेंटली लास्ट जो घटनाएं घटी है तो हमारी टीम भी उस पर काम कर रही है, बार बार निकली हुई है, तो मेरे ऑफिसर्स भी इंगेज थे, तो हमको लगा कि मैं यदि इसमें समय अपना व्यतीत करूँगा तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल हाथ से निकल जाएंगे। तो जो दो जवान मौजूद थे, एक साक्षर आरक्षी और एक मेरा बॉडीगार्ड, वो भी चूंकि देर तक जागता है सोया हुआ था, तो मैंने उनके दरवाजा पे जोर से पुश किया, ठीक है, और मैं अपना राइफल लेके चल दिया। लेकिन नीचे एक ऑफिसर ASI बैठा हुआ था, हमको बोले यार पीछे जल्दी भेजो उन लोग को, घटना घट रही है बड़ा गुरुद्वारा के पास भेजो। तो उन्होंने भी जैसे ही उनको ये भनक लगी कि मेरा थाना प्रभारी आगे बढ़ गया है, वो भी उसी हालात में जिस हालात में तैयार होकर के मेरे पीछे चले आए, तो उनके हौसला भी मानना पड़ेगा कि मेरा साथ वो छोड़े नहीं। और जैसे ही मैं घटनास्थल पर पहुंच करके अपना तैयारी पोजीशन में कवरअप करने का प्रयास कर रहा था, चूँकि थोड़ा मतलब सपोर्ट में तो टाइम था, बट ये दोनों भी पहुंच गए तो मेरे को और बल मिला, और पहले मैंने देखा कि ऊपर जो पहला तल्ला पर थोड़ा हलचल हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं यही है, चूँकि मिथू फाइन एंड फील कोड पिन कोड ऐसे करके लिखा हुआ था। फिर बाद में हमको समझ में बात आ गई, बात आई तब तक हम ऊपर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनको भी सूचना मिल गई कि पुलिस आ गई है। तो चूँकि मौत से तो सबको डर लगता है, वो भी अपने हिसाब से इधर उधर से उतर के और गोली चलाते हुए भागने का प्रयास, मतलब भागना चाहे जो भी हो, भागना क्या कि पुलिस के तरफ ही बढ़ना शुरू किया, चूंकि वहाँ पे जगह नहीं है, जब तक रोड पे उतरेगा नहीं भाग नहीं पाएगा। तो हम लोग कुछ वार्निंग भी दिए कि मान लीजिए सरेंडर करो, ये करो वो करो, लेकिन कोई फर्क उन लोगों पे नहीं पड़ा। जब लगातार फायरिंग आई तब हमको जो दो लोग थे उनसे धक्कम धुक्का हुआ, गुतम गुती हुआ, तब तक बाएं साइड में भीड़ खड़ी हो गई थी, उसमें से भी उन्होंने फायर डाला, बट हम लोग किसी तरह से बाल बाल बचे, और एक दाहिने साइड जो था वो फायर डाला लेकिन उसके भी बचाव में। फिर हमको लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो यदि मेरी कैजुअल्टी हो जाएगी या लॉस हो जाएगा मेरे जवानों को, तब मैं देखा कि लगातार इन लोग गोली चला रहे हैं, तो फिर अपना पोजीशन लेके मैंने दो चक्र फायर किया जो सीधा उसको हिट किया, और दो चक्र हमारा जवान द्वारा चलाया गया,
तब उन लोग जो है ठंडा पड़ा, फिर उन लोग उसको ओवर पावर करके दो आदमी को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। फिर जो भी असला वगैरह था सब बरामद हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोग के पास था। तब तक तो काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। तो मेरे लिए भी सौभाग्य है कि शहर में अपना कुछ योगदान देने का मौका मिला और माँ भगवती का कृपा है। हम लोग चाहते हैं कि यदि अपराधी आए तो बिल्कुल इस तरह की सूचना हम लोग को मिलनी चाहिए। जी जी, और हमको लगता है जिस तरह से लोग को जागरूक देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी इस तरह का तत्व यदि हिमाकत करेगा तो पुलिस का परिस्थिति अनुकूल जो है माकूल जवाब दिया जाए। क्योंकि सर कुछ दिन पहले भी घटना घटी थी तो एक ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी था। सर एक अंतिम सवाल बस कि अभी अनुसंधान जो है कहाँ तक पहुँचा, सर कौन से गैंग थे, क्या कुछ पता चल पाया सर? देखिए अभी तो मामला इनिशियल स्टेज में है, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी तो चूंकि इनिशियल स्टेज है, जो पकड़ाया है उस पर हम लोग कागजी कार्रवाई है, जेल भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो रिट्रीट है, फॉलो अप डायरेक्शन है, जो इंट्रोगेशन है, अपने वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में हम इसको आगे ले करके बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर पीके सिंह सर से कि अब आगे जब भी क्राइम जो है होगा या क्राइम करने निकलेंगे लोग सोचेंगे तो सर का नाम से खौफ होगा, क्योंकि सर को किसी से डर नहीं लगता, सर को मौत से भी डर नहीं लगता। सर ने जो इस पर जीत हासिल कर लिया, सर का जो कार्यकाल रहा वो इतना शानदार रहा है कि आज धनबादवासी भी इसका लोहा मान चुके हैं। तो ये है, और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत जल्द उम्मीद है कि पूरे गैंग का खुलासा होगा, और जो पिछले दिनों भी एक घटना घटी थी ज्वेलरी शॉप में उससे रिलेटेड भी आशंका जताया जा रहा है कि उनकी संलिप्तता है। तो जो भी होगा पूरी बात ही जब भी अनुसंधान खत्म होगा, पूरा रिसर्च जब आएगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन, तो फिलहाल तो सर कहें कि कागजी कार्रवाई चल रहा है, उन्हें जेल भेजना है, तो चल रहा है काम। बहुत जल्द उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा खुलासा होगा और जितने भी इसमें जो भी क्रिमिनल अटैच होंगे या जो भी जुड़े हुए होंगे उनको धर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि दो लोगों के फरार होने की भी खबर है। फिलहाल जो है चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, कार्रवाई चल रही है, लगातार लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द उम्मीद है कि पूरी तरह से खुलासा होगा। हमारे साथ बने रहिएगा, हम मिलेंगे आपको कहीं और किसी और खबर के साथ। मिरर मीडिया के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अंजलि के साथ अमर कुमार, धन्यवाद।